हम मुसलमान हैं, क्या फिर इस बात को मुसलमानों को खत्म कर देगा? उसकी तो 90 नस्लें भी खत्म नहीं करने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोरा। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब किसी की शामत आती है तो वो ऐसी ही हरकतें करता है। ये गाजियाबाद के रहने वाला वसीम भाईजान है। वसीम मीडिया से बात करते करते भावनाओं में इतना बह गया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका ये बोलना उनके लिए कितनी मुश्किलें लेकर आने वाला है। सीएम योगी को लेकर ये आपत्तिजनक बातें बोलता रहा, और कोड में खाज ये कि अपना पता इसने खुद ही बता दिया और चैलेंज कर दिया कि दम है तो कर डालो केस। फिर क्या था, ये वीडियो वायरल हो गया तो वसीम भाईजान रातों रात फेमस हो गया। इतना फेमस कि पुलिस भी इनसे मिलने को बेताब हो उठी है। लेकिन भाईजान को जब ये भनक लगी तो केस की धमकी देने वाले हैं और खुद को मुसलमान बताकर किसी से ना डरने की बात करने वाले वसीम भाईजान दुम दबाकर भाग खड़े हुए। हम मुसलमान हैं, क्या फिर इस बात को मुसलमानों को खत्म कर देगा? उसकी तो 90 नस्लें भी खत्म नहीं करने की। योगा आसमान से आया है? योगी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म नहीं। योगी खुद गुंडा है। मैं कह रहा हूँ चलो करो मेरे पे केस। योगी खुद एक गुंडा है, उसकी हिस्ट्री देखो, उसका रिकॉर्ड देखो, उसकी FIR देखो। मेरा नाम मोहम्मद वसीम, जिला गाजियाबाद, गांव मसूरी। पुलिस उनको उनके घर, मोहल्ले, गांव में खोज रही है, और भाईजान कायर की तरह दिल्ली में छिपे हुए थे। वीडियो 22 दिसंबर को वायरल हुआ था, तभी से इनको पुलिस तलाश रही थी, लेकिन ये लुक्का छुपी का खेल खेल रहे थे। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं और उनसे बचना लगभग नामुमकिन ही होता है। आखिरकार बाबा की पुलिस ने इनको ढूंढ ही निकाला और इनकी ऐसी खातिरदारी की ये चलने के लायक भी नहीं बचे। शेर की तरह दहाड़ते हुए खुद को मुसलमान बताकर सीएम के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाला वसीम अब भीगी बिल्ली बन चुका है। वसीम के गिरफ्तारी के बाद SP मसूरी नरेश कुमार ने बताया कि इनका वीडियो संज्ञान में आते ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और वसीम की तलाश शुरू हो चुकी थी। अब वसीम पुलिस की गिरफ्त में है। पकड़ा गया आरोपी वसीम मूल रूप से मेरठ के लिसाड़ी गेट के फतेहुल्लापुर गांव का रहने वाला है, और यहां वो मसूरी में किराए के मकान में रहता था और यहां से प्लास्टिक की कुर्सियां बेचने का काम किया करता था। अब वसीम पुलिस की गिरफ्त में है। तो आपसे भी यही गुजारिश है कि भावनाओं में बहकर इतना भी मत बोल डालिए कि बोला हुआ आपके लिए मुसीबत बन जाए। जुबान पर लगाम रखिए, क्योंकि कबीर जी कह गए हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। इस पूरी खबर पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।